वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए आप, क्योंकि जो भी मैं टिप्स दूंगा वो जरूरी बताऊंगा आपको पौधे से रिलेटेड। हेलो गाइस, वेलकम टू कंगारू ब्लॉग विद राकेश मौर्या। और आज मैं आप लोगों को स्पैरो ग्रास प्लांट के बारे में बताऊंगा। और ये एक ऐसा प्लांट है जो एवरग्रीन रहता है और काफ़ी अच्छा प्लांट है। ये देखो, ये जो इसकी रूट है गमले से पूरा टच हो गई है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा तो पूरा गमले से टच हो गई थी। तो इसको हमें काट के दोबारा वापस भरना है, तो इसकी थोड़ा कटिंग करनी पड़ती है और इसकी वजह से गर्मी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर गमला हीट होता है तो रूट पे फ़र्क जाता है, रूट से सीधा प्लांट पे उसका फ़र्क पड़ता है और हमें रीजन नहीं पता लगता है प्लांट क्यों स्लो चल रहा है या सूख रहा है। तो गाइस, मैं थोड़ा नीचे करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये तेरी को पूरा काटना पड़ेगा और आपके पास कटर होनी चाहिए। इस तरीके से ये पूरा काटना है आपको रूट को। और जो इसका एक्स्ट्रा है पत्ते लीव्स, ये आपको थोड़ा कट कर देना है ऐसे। और ये देखिए आप, इसमें रूट कुछ इस तरह के होते हैं, ऐसे भी निकलते हैं। और ये तो आपको थोड़ा सा कट कर देना, ज़्यादा नहीं करना है। तो ये अब एक तैयार हो गया है मेरा। और गाइस, इससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो चीज़ है ये पॉट में रखी जाती है। जैसे पॉट का ये छेद है, ये आप देख सकते हैं, ये छेद है इसके पीछे से भी ये। तो इसमें डायरेक्ट हमें, मतलब कई बार ऐसे है करते हैं कई लोग कि डायरेक्ट इसको हम बंद कर देते हैं। मैं नज़दीक से दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ पूरा क्लियर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये पॉट है हमारा और इसको हाफ छेद को खाली करो, गमले के पुराने गमले के पीसेस होने चाहिए। और इसको कुछ ऐसे पूरा कवर नहीं करना, इसको ऐसे रखना है कि पानी धीरे धीरे निकले, मिट्टी लेके ना निकले ये गए। तो तीन से चार टुकड़े होने चाहिए, एक को हाफ करो फिर उसके ऊपर रखते जाओ और गैपिंग होना चाहिए पूरा। अब ये गमला हमने अब रेडी कर लिया है। अब देखिए ये, तो अब हमारा गमला पूरा रेडी है। और इसके लिए अब खाद, मैं आपको कह रहा था गोबर की यूज़ करो, बेस्ट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपोस्ट भी आजकल अवेलेबल है हर जगह, वर्मी कंपोस्ट। तो ये खाद है हमारी, देखो काली सड़ी हुई है, तो खाद इस तरह होनी चाहिए गोबर की। तो गोबर की खाद भी इसमें मिक्स करना है, क्योंकि अब एक साल की खुराक इसमें लगभग हो गई है। बीच में अब कुछ डाल नहीं सकते, जो डाल सकते हैं ऊपर से ही। ये देखिए गाइस, मैं मिक्सिंग भी करके आपको बता रहा हूँ ठीक से। जो भी इसके रूट हैं ये अलग कर लो। आप जब भी इसको पलटोगे आपको शायद एक्स्ट्रा मिट्टी की भी थोड़ा ज़रूरत पड़ सकती है, तो व्यवस्था आपको करके रखनी पड़ेगी। आप ये देखिए, ये अब हम इसको पॉट में डालेंगे और जो भी गमले के छोटे पीसेस हमने रखे हैं इसके छेद में, वो हिलने नहीं चाहिए अपनी जगह से। और मिट्टी इतना इसमें डालना है कि प्लांट आराम से आ जाए। और जब हम प्लांट के लास्ट में मिट्टी डालें, दो इंच जगह खाली होनी चाहिए, उस पर आधा इंच खाद डाल देंगे डायरेक्ट। ये आप देखिए,
मैंने मिट्टी ज़्यादा डाल दिया, थोड़ा सा कम करूँगा। और मिट्टी भी ऐसे निकालनी है, इसके जो गमले के पीसेज हैं नीचे वो हटने नहीं चाहिए। ये देखिए आप, अब ये हमारा स्पैरोग्रास बिल्कुल सेट हो गया है। अब हमने जो खाद मिट्टी हमारी और मिक्स है ये हम इसमें डालेंगे। ये देखिए आप, ये बहुत बढ़िया एवरग्रीन प्लांट होता है स्पैरोग्रास, देखने में भी खूबसूरत लगता है। मिट्टी को आपको साइड से दबाना भी पड़ेगा, नहीं तो बाद में पानी जब नीचे जाएगा, और आप हाथ से न नहीं कर सकते थे, अपने औजार से भी कर सकते, खुरपी वगैरह से, आपके पास जो टूल्स हैं। ये गाइस देखिए, तो खुरपी का जो हैंडल है इससे आप थोड़ा सा नीचे की तरफ मिट्टी को दबाइए, और इससे क्या है पानी डायरेक्ट नीचे नहीं भगेगा, नहीं तो गैप पाइप गैप नीचे से साइडों से मिलेगा तो नीचे से छेद से बाहर निकलेगा। और अब हमें इसका थोड़ा ट्रिमिंग इस तरीके से करना है, देखने में सही लगे, ज़्यादा आगे पीछे ना हो, तो ये बेहतरीन तरीके से करना है आपको। और अगर बड़ी कैंची है तो उससे सेट हो जाता है, मैं थोड़ा बहुत बाद में इसको बड़ी कैंची सेट कर दूँगा, एकदम गुलाई बना देता हूँ तो देखने में काफ़ी बेटर लगता है। और जो भी इसके ब्रांचें ख़राब हो गई नीचे से वो आप निकाल दीजिए। अब गाइस लगभग तकरीबन 2 इंच खाली है, तो इसमें मैं 1 इंच गोबर की खाद डालूँगा। गोबर की खाद डालने से ऊपर जो 1 इंच हम ऊपर खाद डालेंगे गोबर की, इससे क्या होता है, एक तो ज़मीन में जो आपकी सॉरी जो आपकी मिट्टी है गमले के अंदर उसमें नमी बना के रखेगा, ये सबसे ज़रूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ आप वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो भी यूज़ करते हैं पर गोबर की खाद उसमें ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये मिट्टी को थोड़ा सॉफ्ट रखती है, लंबे टाइम तक हार्ड नहीं होने देती, तो मैं तो ज़्यादा यही यूज़ करता हूँ। और खाद ना सड़ी हो गोबर की आपके पास, कोशिश करें सड़ी हो, नहीं ना सड़ी हो तो DTT पाउडर अवश्य मिक्स कर ली इसमें। ये आप देखिए, तो मैं 1 इंच गमले में खाद डाल दूंगा और इसको भी थोड़ा नीचे की तरफ पुश कर दूंगा। अब मेरा गमला, मैं आपसे गाइस कह रहा था 1 इंच खाली है पानी के लिए, क्योंकि स्पेस होना चाहिए ना, हम अगर प्लांट में पानी डाल रहे हैं। ये देखिए अब हमारा एक गमला पूरा अच्छी तरीके से तैयार है, तो इसकी जो ट्रिमिंग है बाद में थोड़ा बहुत मैं कर दूंगा, अभी तो ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। कभी भी छेद को डायरेक्ट एक टुकड़े से किसी भी टुकड़े से ना बंद करें, क्योंकि पानी नहीं निकल पाता, पानी निकलना भी ज़रूरी होता है। अब ये दूसरा गमला मैं पलट के आपको दिखाता हूँ गाइस, ये आराम से निकल आएगा क्योंकि इसकी जड़ें जो है काफ़ी फैली। निकालने का तरीका आप देखिए, और इसका छेद बंद हो चुका है पॉट का, तो ये मैंने मिट्टी हटा खाली कर दिया है, ये ज़रूरी है। और गाइस ये दूसरे प्लांट का रूट है, तो हमें सावधानी से ये भी काटना होगा, ये काट के पूरी तरह हमें हटाना है। और इस स्पैरोग्रास में कांटे भी होते हैं छोटे छोटे मामूली से, तो ये भी थोड़ा सावधानी से करना पड़ता है। और एवरग्रीन प्लांट में ये भी काफ़ी बढ़िया लगता है और टिकाऊ प्लांट है।
गाइज, ये जो मैंने गमले के पीसेज रख रखे थे, अब उनको अलग करना पड़ेगा क्योंकि वापस हमें रखना है। मैं 3 से 4 पीस रखता हूँ। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीमेंट और मिट्टी के जो गमले हैं वो पानी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लास्टिक के गमले या फाइबर के आजकल आ गए हैं, वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, तो उसमें तो और केयरफुली काम करना पड़ता है। आप कई बार पॉट लेते हैं, उसमें एक छेद रहता है, कंपनी एक छेद करके देती है, बाकी उसमें बाकी होल जो है वो आपको करना रहता है। तो वो आप, अगर आपके घर में बड़ा पेचकस है, छोटा नहीं बड़ा पेचकस, तो उसको गैस पे हीट कीजिए और गमला वहीं रखिए, 1 बाई 1 पॉट को उल्टा करके इस तरह करके आराम से, प्रेशर नहीं डालना आपको, आराम से जैसे सेंटर में छेद कर देते हैं, एक दो और कर दो, वो बेटर रहता है क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए उसमें और केयरफुली काम करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर पानी रुक गया गमले में तो प्लांट 100% ख़राब होगा और आपको रीज़न भी नहीं पता लगेगा। कई बार अंदर पानी रुका रहता है, ऊपर तक नहीं आता। तो ये दूसरे गमले की भी मिट्टी मैंने तैयार कर ली है। और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए आप, क्योंकि जो भी मैं टिप्स दूंगा वो ज़रूरी बताऊंगा आपको पौधे से रिलेटेड। दूसरे पॉट की भी मिट्टी तैयार हो गई गाइस। तो अभी रूट मैंने इसका पूरा काटा नहीं है, अब मुझे खुरपी देखनी पड़ेगी कहाँ है, क्योंकि उसी से होगा ये। अब इस रूट को और हम कम करेंगे। ये आप मूंगफली के जैसे जो देख रहे हैं छोटे छोटे दाने, इसके रूट के साथ टच है, सारे रूट भी इसी में है, फिर रूट इससे बन के आगे निकलती है, मूंगफली के दाने जैसे ही लग रही है, आप देखिए। इसमें भी काफ़ी ख़राब लीव्स हैं, तो हमें रिमूव करना पड़ेगा उनको, बाहर ज़रूरी है। ये देखिए मैं निकाल रहा हूँ इनको। और ये आपको करना कब है मैं मौसम भी बताता हूँ। बारिश का सीज़न इसका वेस्ट होता है, या बारिश शुरू होने से पहले या उसके बीच में भी आप कर सकते हैं, पर आपका गमला सूखा होना चाहिए। बारिश का मतलब उस दिन बारिश ना हो और आपकी खाद भी गीली ना हो, मिट्टी ऐसे आप देख रहे हैं भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, नहीं आप पलट दो और पता लगे कि मिट्टी गीली है, तो वो मिट्टी गीली मिट्टी अगर हम किसी पॉट में डालते हैं तो हार्ड हो जाती है। रूट को सावधानी से हमने अलग कर लिया है, अब हमारा दूसरा भी पॉट तैयार होने वाला है। इसको भी ऊपर से सोडा ट्रिमिंग करूँगा, लगने के बाद फिर मैं बड़ी कैंची से काटूँगा, उससे गुलाई थोड़ा अच्छी आ जाती है और काफ़ी बढ़िया लगता है, बेहतरीन एकदम। ये देखिए गाइस, अब ये हमारा तैयार है। कुछ इसके अभी लीव्स हैं वो मैं निकाल देता हूँ, खराब जो है। गाइज ये मैंने आपको बोला था 3 तो मिनिमम होना चाहिए, इससे मैं आधा छेद को कवर करूँगा, फिर जो ये मैंने टुकड़ा रखा उसी टुकड़े के ऊपर इसको रोक दूँगा ये। तो
अब इस पर फिर मिट्टी में उतनी ही डालूंगा जितने में आ जाए, और 2 इंच खाली रहे ऊपर गमला, इसकी जो मुंडेर है इससे प्लांट का ये जो हिस्सा है ये 2 इंच नीचे होना चाहिए। एक सेकेंड, हो जाएगा गाइस, ये देखिए आप, और सेंटर में रखना प्लांट को बिल्कुल। अभी कुछ ब्रांचें रिमूव होंगी इसकी, वो मैं देख लेता हूँ, और ये खाद और मिट्टी जो मिक्स है ये मैं डालता हूँ इसमें। हाथ से करने के बजाय आपके पास खुरपी हो उसके बैक साइड के हैंडल से कर दो, और रूट में फ़र्क इसका नहीं पड़ना चाहिए, प्यार से करना है। प्लांट को भी बच्चों की तरह ही पाला जाता है, जैसे बच्चे माँ को पालती हैं सेम हम लोग भी ऐसे करते हैं। मैं माली का काम करता हूँ और बच्चों की तरह ही पेश आता हूँ, क्योंकि मुझे भी प्लांट का बहुत शौक़ है, और इसी की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ के इस लाइन में आ गया गाइस। ये देखिए, क्योंकि मुझे प्लांटों से बहुत बहुत लगाव है, मुझे ग्रीनरी हरियाली और फ्लावर बहुत पसंद है, पेड़ों से काफ़ी लगाव है, ये मैं आपको बता दूं। और जो मेरा एक्सपीरियंस है आप और लोगों से साझा करना चाहता हूँ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के जरिए से। तो मिट्टी इसमें थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, और एक ब्रांच ये है इसकी, ये थोड़ा येलो हो गई है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। और एक बात का और ध्यान रखें, जिस दिन आप गमले को पलटते हैं खाद और मिट्टी मिक्स करके दोबारा वापस प्लांट को गमले में लगाते हैं, उसी दिन आपको पानी उसमें डालना है। ये नहीं मैं अगले दिन डालूं, प्लांट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, प्लांट काफ़ी हद तक डैमेज हो सकता है, तो इसलिए उसी दिन पानी डालें। अगर सनलाइट ज़्यादा है तो कोई छाया में भी रखें 2-4 दिन हफ्ते भर, तो वो ज़्यादा बेटर है। अब मैं इसमें 1 इंच गाइस, ये देखिए खाद, खाद में वो लेता हूँ जो पकी हो, हमारे गांव में तो 2-2, 3-3 साल के बाद निकालते हैं, गड्ढा होता है गड्ढे में अंदर गोबर पलटते जाते हैं और फिर निकालते हैं। मैं यूपी प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ गाइस, और हमारे गांव में भी खेती बाड़ी होती है पूरा, मुझे सब्जियों का भी पूरा नॉलेज है, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। ये देखिए आप, काली खाद बिल्कुल होना चाहिए, मैं कभी भी कच्ची खाद नहीं यूज़ करता हूँ, कई बार कहते हैं गोबर की खाद ठीक नहीं होती, गोबर की खाद परफेक्ट होती है, नेचुरल होती है, और मैं जो सब्जी उगाता हूँ वो भी हमारी ऑर्गेनिक होती है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। बस इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। अगर कुछ वीडियो में ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा गाइस। अभी मैं ये कटिंग करने के बाद जब बड़ी कैचिस करूँगा तो इसकी फिनिशिंग आ जाएगी और खूबसूरत प्लांट लगेगा गाइस। ये देखिए, ये मेरा दूसरा पॉट है और बिल्कुल रेडी हो गया है, 1 इंच, 1.5 इंच खाली है, तो 1.5 खाली होना चाहिए पानी के लिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। खाद में हमेशा यूज़ करता हूँ सड़ी हुई गोबर की, और कभी भी
कच्चा गोबर ना यूज़ करें, उसमें दीमक लगने की 100% गुंजाइश रहती है। अगर आपके कई बार ऐसे होता है इसमें चींटियाँ भी हो जाती हैं गमले में, मिट्टी चेंज कर सकते हैं, चेंज कर दें पूरा, और नहीं कर सकते तो उसमें DTD पाउडर मिक्स करके डालें, ताकि चींटियाँ अगर आप उसमें मिक्स कर देंगे तो चींटियाँ ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके हट जाएंगे। अगर आपका पॉट पहले से कोई तैयार है जैसे ये है, अगर इसमें चींटी आ जाती है तो इसमें आपको एक चुटकी DTD पाउडर लेना है और इसके साइडों से डाल देना है, फिर इसको पानी डाल देना है इसमें। उससे क्या होगा, DTD पाउडर नीचे तक चल जाएगा और चींटियाँ वहाँ से हट जाएंगी, क्योंकि चींटियाँ कई बार ये जो नीचे छेद होता है यहाँ से होल करके मिट्टी निकालती रहती है, फिर हम जब भी पानी डालेंगे पानी डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, वो भी प्लांट के लिए देखा जाए तो ठीक नहीं है। और गाइज ये रूट जब गमले से टच हो जाता है ग्रोथ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और गर्मी में प्लांट डाउन होना शुरू हो जाएगा। और इस पे भी कुछ ऐसे हुआ है, इसकी ग्रोथ कम है देख रहे हैं आप, तो टच होने के बाद ऐसे हो जाता है और ये ज़बरदस्त टच है, इसकी ग्रोथ बिल्कुल आप रुकी पड़ी है, आप देख सकते हैं इतनी ग्रोथ ज़्यादा नहीं है इसकी, रीज़न ये है। तो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं और मैं बारीकी से बताने की कोशिश करूँगा आपको। और आने वाले टाइम में बेटर टू बेटर वीडियो बना के आपको दूंगा इससे रिलेटेड, फ्लावर परमानेंट एवरग्रीन प्लांट, एयर प्यूरीफाई प्लांट के बारे में और सब्जियों के बारे में फुल जानकारी गाइस दूंगा मैं आपको। बस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कंगारू ब्लॉग विद राकेश मौर्य। गाइस मैं इसको पलटूंगा, ये देखो मैं कह रहा था रूट टच है और इसकी ग्रोथ इसने ही रोक दिया। और कई बार ऐसे होता है कोई हार्ड प्लांट होता है तो गमला भी क्रेक हो जाता है, अगर वो हार्ड प्लांट ना हुआ तो नेचुरल है, उसका फ़र्क प्लांट पे पड़ेगा। जैसे हम जनरल डिब्बे में बैठते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है कई बार, तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे ही इसमें भी होता है। तो प्लीज़ जनरल डिब्बा ना बनाएं, गमले को देखभाल करें। अगर आप प्लांट के शौकीन हैं तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। देखिए गाइस काफ़ी ग्रोथ इसकी रुक गई है उन दोनों प्लांटों से ज़्यादा, इसके ऊपर ये रूट जो गमले से टच हो गया था जो मैं अलग करूँगा, ये आप देख रहे हो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ज़्यादा ये रूट टच हो गया गमलों से, ये काफ़ी, तो आप देख सकते हैं ये, और मैं इसको अलग कर रहा हूँ, काफ़ी रूट नीचे भी है ये देखिए। इसको खड़ा कर लेना है आपको और इस तरीके से सबसे इजी हो जाएगा निकालना, ये साइड से हल्का हल्का अलग कीजिए। इसमें काफ़ी ब्रांचें सूख भी गई थी और रूट की वजह से गमले पे बहुत फर्क पड़ा था। और इसमें चाहें तो बाद में आप थोड़ा DAP भी यूज़ कर सकते हैं या खाद के साथ मिक्स कर सकते हैं थोड़ा बहुत, पर वो भी लिमिट में होना चाहिए। और एक पॉइंट वाली मैं बात आपको बताता हूँ, कई लोगों को पता नहीं है, और शहर के बंदे जो हैं, शहर में जो हमारे भाई रहते हैं उनको शौक़ ज़्यादा है, क्योंकि शहर से हरियाली ख़त्म होती जा रही है, तो थोड़ा सड़कों पर नज़र आती है, थोड़ा मकान में अगर गमले वमले रखते हैं तो,
वहाँ नज़र आती है, तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा यूरिया कभी भी किसी भी पॉट में ना डालें। गाइज ये मेरी खाद मिट्टी मिक्स है, अरे गमले से जो निकली है इसको अलग कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा और खाद डालता हूँ। ये देखिए आप, गाइज ये फिर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो इसके 3 पीस हैं गमले के टुकड़े के, ये मैं रखना चाहता हूँ। डायरेक्टली छेद नहीं बंद करना है इसका जो होल है, और मिट्टी उतनी डालनी है कि 2 इंच खाली रहे। एग्जैक्ट गाइस ये सही हो गया, पर थोड़ा सा और डालना पड़ेगा ऐसे लग रहा है हल्का सा। और कभी भी आप किसी गमले को पलटते हैं तो उसका मतलब उसमें खाद जरूर डालिए, मिट्टी में मिक्स जरूर कीजिए। गाइस ये मेरा तीसरा भी गमला तैयार हो गया, तो ये आसानी से आप भी कर सकते हैं। थोड़ा मिट्टी ऐसी डलेगी, उसके बाद आप इसमें डायरेक्ट में ऊपर से 1 इंच 2 इंच जो खाली है 1 इंच खाद डालना बहुत ज़रूरी है। ये गमले की नमी को और ख़ासतौर पर गर्मियों में बनाए रखती है। ये देखिए गाइस मेरा तीसरा भी गमला तैयार हो गया, और कंगारू ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आने वाले टाइम में आपको बेटर टू बेटर वीडियो और बारीकी से जानकारी दे सकूं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, राम राम। और नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्लांट के साथ जल्द रूबरू कराऊंगा आपको जितनी जल्दी हो सकता है। तो गाइस राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।